धमान चैनल देख रहे सारे दर्शकों का अमरजीत धमान वालों निघा निघा स्वागत है जी। सो खाटू शाम का तुहानू असी जो हर रोज़ कुराली शहर के घर घर के कीर्तन होंगे हैं हर रोज़ दिखा रहे हैं। सो अज जो कीर्तन किया गया लविश जिन्हों प्यार चीना जी भी कहते हैं तो कुदरत ही अज की तरीक दे जन्मदिन भी है। सो इन ग्रह विखे अज खाटू शाम जी का कीर्तन किया गया संगत वालों। तो पहला आप परिवार के नाल गलबात करते हैं तो फिर थानू इस कीर्तन दियां पूरियां झलकियां भी दिखाने हैं। लविश जी उर्फ चीना जी, सो प्यार दे नाल तुहानू चीना जी भी कहने हैं, तो तुहाडे ग्रह दे विच अज जो खाटू शाम जी आए तो कुदरती इस डेट नू तुहाडा अज जन्मदिन भी है। जय श्री श्याम जी, एक बारी फिर बोल दो जी। जय श्री श्याम, खाटू नरेश की जय। क्या नाम है? अमाया। बोलो खाटू श्याम की जय। जय श्री श्याम, जय खाटू महाराज की जय। विक्की कथूरिया जी, जो 13 फरवरी नू एक शोभा यात्रा कढ़ी जा रही है ते 14 फरवरी नू प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अपना खाटू श्याम जी की, इस संबंध दे विच जो घर घर दे विच तुहाडी मंडली दे वल्लों ये कीर्तन किए जा रहे हैं। बोलो खाटू नरेश की जय, हारे के सहारे की जय। धमान साहब बहुत ही भागा भरिया शहर है कुराली साडा। श्री श्याम प्रेमी मंडल कुराली दे सहयोग दे नाल एक लाला वाले पीर दे नज़दीक खाटू श्याम जी का मंदिर बन के तैयार हो चुका है, जिस दी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा 14 फरवरी बसंत पंचमी वाले दिन होवेगी और 13 तारीख नूं एक साढ़े प्रेमी मंडल वालों निशान यात्रा कढ़ी जा रही है शहर कुराली दे विच, जिस दे विच डीजे और रथ का जो आयोजन है वह बाहर तो ही आ रहा सारा। बहुत ही अच्छा भव्य प्रोग्राम होएगा, अलौकिक प्रोग्राम होएगा। तो उस दे उपलक्ष्य दे विच साडा श्याम प्रेमी मंडल कुराली ने 1 तारीख तो लैके 13 तारीख तक हर हर बालाजी और घर घर बालाजी दे प्रोग्राम के तहत एक कीर्तन की लड़ी चलाई हुई है, जिस दे तहत अज लविश अरोड़ा जी जिन्हां नूं असीं प्यार नाल चीना कहिंदे हन उन्हां दे घर दे विच प्रोग्राम होया है। संगतां ने बड़ा आनंद माणिया है और कल चौधरी मैडिकल स्टोर कन्नू परिवार के घर कीर्तन होएगा जी। तो सारी संगत नूं अपील है इस प्रोग्राम दे विच वध चढ़ के हिस्सा लो और 13 तारीख नूं जो निशान यात्रा कढ़ी जा रही है सानू सारे ही शहर का सहयोग चाहिए है और हुम हुम आके पहुँचो। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जिहड़ी यात्रा कित्थों शुरू हो के ते कित्थे समाप्त होवेगी ते केड़ा केड़ा इहदा रूट? इह खाटू श्याम जी दे मंदिर तो ही शुरू होवेगी यात्रा, मेन बाज़ार होंदे होए रोपड़ रोड होंदे होए ये वापस खाटू श्याम जी के दरबार के ही पहुँच समाप्त होएगी जी। होर आकर्षक चीज़ा वो मतलब की ने? बाबा जी का श्रृंगार बहुत ही देखने योग होगा, उस दे अगे डीजे चलेगा, रथ यात्रा होगी, बग्गी दे विच बाबा जी सवार होंगे, बग्गी का इंतजाम बड़े ही हर्षो उल्लास नाल असी तैयार करांगे जी। साडे वल्लों यही कोशिश रहेगी जी, जिहड़ी संगत आ वो पैदल ही चलूगी सारी? जो निशान यात्रा है वह तो पैदल ही चलेगी जी, बाकी श्याम बाबा की मर्जी है उसने किवें ले जाना है, गड्डी से भी जाना जा सकता है, वह तो श्याम बाबा की कृपा है जी, किसी ने जिम किवें जाना है जी वह देखेंगे देखेंगे जी। जय श्री श्याम, खाटू श्याम की जय। अपना शुभ नाम जी? प्रतीक्षा जी। प्रतीक्षा जी, अज तुहाडे ग्रह दे विच इह जो कीर्तन होया सो बहुत वधिया कीर्तन होया, बड़ा नच टप के तुसीं भी अपनी आस्था रखी है, जुड़े हुए हो खाटू श्याम जी दे नाल, ते की कहोगे तुहानू इह किस तरह लग रहा? जय श्री श्याम, बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी की भक्त, ये खाटू श्याम जी के भक्त। अब कलयुग में दो भगवान का राज है, वो गुरु जी और खाटू जी, कलयुग के दोनों महाराजा हैं, तो अच्छा ही लगा, बहुत मज़ा आया। मतलब आज इतना इन्जॉय किया, बर्थडे को ऐसे सेलिब्रेट किया, सोचा नहीं था। अभी हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके हटे हैं गुरु जी का, अब बर्थडे खाटू श्याम जी के साथ, तो ऐसा लगा कि मतलब घर में रौनक ही रौनक थी, आज बहुत मज़ा आया। मैं कहती हूँ आगे आगे जो मतलब बर्थडेज हमारे ऐसे सेलिब्रेट हो तो हमें बहुत अच्छा लगेगा।
तो मैं यही कहूँगी सबका आने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। मतलब लगा ही नहीं कि आज की कुछ अलग ऐसा लग रहा था कि खाटू श्याम जी खुद यहाँ आ गए हैं। मतलब हमारे अंदर इतनी एनर्जी थी, इतनी एनर्जी थी डांस करते हुए, आपने देखा ही है कितनी एनर्जी थी हमारे अंदर जी। तो खाटू महाराज की जय। विश्वास धीरे धीरे बनता है, टाइम लगता है, तो है ना, तो वही चीज़ है। आपका विश्वास कहाँ जुड़ा हुआ है? मेरा विश्वास सारे भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। मैं शिव जी को भी मानती हूँ, गुरु जी को भी मानती हूँ, खाटू श्याम जी को भी मानती हूँ, सब जगह गई हूँ, खाटू श्याम जी पे अभी भी जाके आई हूँ। देखो टाइम के साथ विश्वास बनता है, तो अब वो कलयुग वो पीढ़ी आ चुकी है कि अगर हम भगवान के साथ नहीं जुड़ेंगे ना तो गलतियाँ ही करेंगे। अगर हम भगवान के साथ जुड़ गए तो हमारी जो गलतियाँ हैं वो कम हो जाती है। हम अपनी सारी बात भगवान से करने लग जाते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। पहले लोग इंसानों से करते थे, अब लोग भगवान से करते हैं। आप पहले देखो, पहले लोग भी जुड़े हुए थे भगवान से, बट आज की जो यूथ जनरेशन है वो सबसे ज़्यादा भगवान से जुड़ रही है जी। तो मतलब आज ये छोटी सी है, ये इसकी एज कुछ भी नहीं है, 5 या 6 साल है, इसको पता है खाटू श्याम जी, जय गुरु जी, इसे सब पता है। आप पूछो इसे, ये सारे टाइम रात को गीत गा के, ये रात को मंत्र जाप सुन के, मंत्र जाप सुन के फिर सोती है। क्यों? क्योंकि हमने उसको वो आदत डाल ली है। अभी तो हम इस एज में आके जुड़े हैं भगवान से, इसे हमने अभी से ही जोड़ा है। तो आगे का जो यूथ है अगर वो भगवान के साथ जुड़ जाएगा तो बहुत अच्छी जाएगी। आपको पता है पंजाब में इतनी बुरी हालत है, हर एक जगह बुरी हालत है। आजकल टाइम यूथ का जो है नशों में चला गया है। तो अगर हम भगवान के साथ जुड़ जाएंगे, पता है क्या है, शुरुआत परिवार से होती है। अगर परिवार जुड़ जाए ना तो जड़ अपने आप जुड़ जाती है। अब हमारे घर में भी गुरुजी आए दिसंबर में, तो हम ऐसे जुड़े, अब हम भोग लगाने लगे गुरुजी को। तो अब जैसे अब आज खाटू श्याम जी आए हैं तो कुछ नया ही होगा आगे आगे जी। पहले हम कुछ नहीं करते थे कि मतलब ऐसा भोग लगाना, अब धीरे धीरे पता लग रहा है भगवान के साथ इतना जुड़ चुके हैं। सोचा नहीं था हमने कि आज हम 7 तारीख को कराएंगे, मेरे को तो था नहीं कि हमने कुछ कराना है। मैं इन्हें कह रही थी कि कुछ कराते हैं, तो उम्मीद तो थी नहीं, बट एक लड़ी स्टार्ट हुई खाटू श्याम जी की जी। और उसी बीच में ये डेट आ गई, तो मैंने कहा हम यही कराएंगे खाटू श्याम जी का कीर्तन। बट मैंने कहा 7 तारीख मिल जाए तो इससे बड़ी बात ही कुछ नहीं है। खाटू श्याम जी के साथ बर्थडे मना लिया और क्या चाहिए, जिंदगी भर पार्टियाँ की हैं, इस बार खाटू श्याम जी के साथ। तो आपके बहुत अच्छे विचार हैं, सो जो आपने सोचा वही हो गया, क्योंकि आप भगवान को मानते हो ना। बहुत ज्यादा मानती हूँ भगवान को, जिसने मान लिया उसने सब कुछ पा लिया। सही बात है जी, धन्यवाद। थैंक यू। नितिश जी, जो ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 13 ਤਰੀਕ ਅਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜੀ, ਅਤੇ 13 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਣੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲਣੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 501 ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਚੱਲੇਗੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੀਰਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚਿੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅਰੋੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਗਰ ਜੋ ਸ਼੍ਰੇਅ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਧਿਮਾਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਧਿਮਾਨ ਚੈਨਲ ਜੀ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਰਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧਿਮਾਨ ਚੈਨਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਆਈ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਆਲ ਵਰਲਡ ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀਰਤਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਔਰ ਬਾਬਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਜੀ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ। ਥੈਂਕ
Thank you.
Thank you.